अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं फैसल टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओप्पो और रियल मी डिवाइसेस के लिए HTC V11 थीम। काफ़ी अच्छी थीम है और इसमें आपको नए फीचर देखने को मिलेंगे, न्यू क्लॉक विजेट, न्यू आइकन पैक और उसके साथ न्यू नेटवर्क आइकन, बैटरी आइकन और भी बहुत से अच्छे फीचर आपको देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आगे बताऊँगा। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर मैं थीम्स के रिलेटेड वहां पे अपडेट्स डालता रहता हूं। इस थीम का पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर शो होगा, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि थीम्स के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस थीम को कैसे परमानेंटली आप अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करेंगे और इस क्लॉक विजेट को कैसे परमानेंटली अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। सारा मेथड आपने फॉलो करना है, कोई भी आपने स्टेप यहां पे मिस नहीं करना। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है सेट एडिट। तो यहाँ पर आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है सेट एडिट। कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने अपनी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने ओपन करना है थीम स्टोर को, एग्री कर लेना है और यहाँ पे कोई ऐड शो होता है तो यहाँ पे आपने वेट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कट कर देना है और चले जाना है मी में, उसके बाद माई रिसोर्सेज में, और यहाँ पर आपको एक थीम देखने को मिलेगी आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंपली आपने इसको अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई कर लेना है। आपके पास थीम स्टोर का वर्जन जो है वो 7.1.1 होना चाहिए या फिर 7.1.0 होना चाहिए। इसके बाद आपने रिसेंट ऐप से तमाम ऐप्स को किल करना है और सेट एडिट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक फाइल को सर्च करना है precis.sys.oppo.theme.uuid। ये फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इस पर आपने टैप करना है, एडिट वैल्यू में जाना है और इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, बैक आना है और जो थीम मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको सिंपली आपने अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करना है। थीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जाना है फाइल मैनेजर में, फ़ोन स्टोरेज में, और जहाँ पे थीम को डाउनलोड किया होगा उस फोल्डर को आपने ओपन करना है, उस थीम पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो ट्राई मी के बटन पर आपने क्लिक करना है, थीम अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। थीम अप्लाई होने के बाद 5 मिनट ट्रायल के एरर को फिक्स करने के लिए आपने रिसेंट ऐप से तमाम ऐप्स को किल करना है और उसके बाद आपने ओपन कर लेना है सेट एडिट एप्लीकेशन को और उसी फाइल को आपने दोबारा सर्च करना है precis.sys.oppo.theme.uuid। यहाँ पर ये फाइल आपको देखने को मिल जाएगी, इस पर आपने टैप करना है, एडिट वैल्यू में जाना है और इस कोड को आपने कट करना है और यहाँ पर जो कोड आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है, सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक और फाइल को आपने यहाँ पे सर्च करना है precis.sys.trial.theme1, इस पर आपने टैप करना है, एडिट वैल्यू में जाना है, 1 को आपने कट करना है और यहाँ पर 0 पुट करना है, सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, बैक आ जाना है। अब ये थीम और ये क्लॉक विजेट आपकी डिवाइस में परमानेंट काम करेंगे, कोई भी यहाँ पे आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपने इसको रिमूव करना है, उसके बाद एडिट में जाना है और विजेट्स में आ जाना है और इस क्लॉक को आपने अपनी डिवाइस के अंदर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लॉक अब आ चुकी है, आपको कोई भी यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। थीम की बात करें तो होम स्क्रीन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू नेटवर्क आइकन भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ न्यू आइकन पैक भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लें यहाँ पे डायलर पैड की, तो यहाँ पे आपको डायलर पैड का लुक कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे वॉलपेपर भी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टोटली न्यू आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग का इंटरफेस आपको सिंपल तरीके का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक आपकी डिवाइस को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। फाइल मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर का लुक कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, फ़ोन स्टोरेज में फोल्डर्स का लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रेन इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा और स्टार इफेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप टैप करते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेन इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और स्टार इफेक्ट पर जैसे ही आपने टैप करना है तो यहाँ पे आपको स्टार इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरह की राइटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी जो कि काफ़ी अच्छी लुक आपकी डिवाइस को प्रोवाइड करेंगी, जो कि काफ़ी अच्छी वर्डिंग है। यहाँ पे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, और इस मेन्यू को यहाँ पे आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी लुक आपकी डिवाइस को देखने को मिल जाएगी। और कुछ डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपनी डिवाइस में जो आपका जो डिफ़ॉल्ट फिंगरप्रिंट एनिमेशन होता है उसको आपने ओपन कर लेना है, तो हो सकता है यहाँ कुछ डिवाइसेस के अंदर ये फिंगरप्रिंट यहाँ पे काम करेगा, तो हो सकता है मे बी ऑल डिवाइसेस पे भी काम करे। चार्जिंग एनिमेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग एनिमेशन कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी लुक आपकी डिवाइस को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और इस चार्जिंग एनिमेशन को यहाँ पे आप हाइड भी कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज ओपन, और यहाँ पर आप ऑन व्हेन चार्जिंग पर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी लुक आपकी डिवाइस को प्रोवाइड करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जैसे ही आपने यहाँ पर टैप करना है चार्ज पर, तो यहाँ पर चार्ज ऑफ है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने डिवाइस को चार्जिंग पे नहीं भी लगाया तो यहाँ पे आपको चार्जिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और इस ऑप्शन को ऑन करने पर चार्ज व्हेन ओपन, तो यहाँ पर आप जो है ऑप्शन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही डिवाइस को चार्ज पर लगाएंगे तो ये डिवाइस आपकी जो है यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे शो करेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी थीम भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की थीम्स मैं आपके लिए लाता रहूँ तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो और एक नई थीम के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।